यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अयोध्या के विकास को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हर साल सरयू नदी के तट पर दिव्य दीपावली का कार्यक्रम किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है और अयोध्या के विकास के लिए और भी कई योजनाएं बनाई जाएगी। ये सीएम योगी का बयान सामने आया है। राम की पैड़ी में भी लाइटें लगाई जाएंगी, तो बड़ा बयान यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सामने आया है। अयोध्या के विकास को देखते हुए इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया है और अयोध्या को और ज्यादा विकसित किया जाएगा। अयोध्या के विकास को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। हर साल सरयू नदी के तट पर दिव्य दीपावली का कार्यक्रम रखा जाएगा और भी कई योजनाएं बनाई जाएगी अयोध्या के विकास के लिए। अयोध्या फैजाबाद के कोई भी गंदे नाले माँ सरयू में न गिरे, इसके लिए हम लोगों ने एसटीपी के साथ उनको जोड़ने के कार्रवाई के कार्य योजना को भी यहाँ पर हम लोगों ने कार्यरूप देने का प्रस्ताव अपने ऊपर लिया है। इस कार्य योजना को बहुत शीघ्र स्वीकृति देकर के इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे माँ सरयू के प्रति जो आम जन की आस्था है वो आस्था को ठेस भी न पहुँचे और साथ साथ नदी जो सरयू माँ का जो जल है यस निर्मल रहे, स्वच्छ रहे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मयंक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं फैजाबाद से। मयंक, ज्यादा जानकारी क्या है? जी मैडम, आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए थे, अयोध्या में जनकपुर पद का किया था, उन्होंने शिलान्यास स्वागत किया था। जी हेलो। जी मयंक, तो सरयू तट के भगवान हजन गए थे वहाँ पे और उसका राम की पैड़ी का निरीक्षण किया था और राम की पैड़ी पे उन्होंने कहा, बयान दिया, कहा कि राम की पैड़ी परिषद को खूबसूरत लाइटों से लगाने और सुंदर बनाने की लाइट अंडर साउंड शो का आयोजन करेंगे। राम की पैड़ी में अरवल हवा बना रहे, इसके कार्य योजना पर काम शुरू किया जाएगा। चलिए शुक्रिया आपका मयंक श्रीवास्तव तमाम जानकारी देने के लिए। तो अयोध्या के विकास को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है। अयोध्या को और ज्यादा विकसित किया जाएगा, नई नई योजनाएं अयोध्या के विकास के लिए लेकर आएंगे।